मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक कार को देखते हैं जो कि एक सुनसान रोड पर बहुत तेजी से जा रही थी। उस रोड पर उस कार के अलावा और कोई भी नहीं था कि तभी अचानक से देखते ही देखते कोई उस कार के सामने आ जाता है, जिससे उस कार का बैलेंस खराब हो जाता है और कार कंट्रोल से बाहर होते हुए एक ट्री से टकरा जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि अगर उस रोड पर कोई नहीं था तो फिर वो कौन था जो कार के सामने आ गया, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। वो फैमिली एक वेजिटेरियन फैमिली थी और उस वक्त वो लोग खाना खा रहे थे। उस फैमिली में थे एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनकी एक बेटी, इसका नाम जस्टिन था। और उनकी बेटी यानी जस्टिन ही कहानी का मेन कैरेक्टर थी। जस्टिन की मदर हर मैटर में काफी सीरियस लेडी थी और वो अपने साथ साथ अपनी फैमिली से भी अपने वेजिटेरियन रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाती थी। इसकी वजह यही थी क्योंकि उसके प्लेट में मीट का एक टुकड़ा आ गया और उसकी मदर खाना रिटर्न करते हुए रेस्टोरेंट वालों से इस बारे में कंप्लेन करती है। वो फैमिली एक सीरियस फैमिली थी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो। जस्टिन एक स्कूल में एडमिशन ले लेती है और उसका ये फर्स्ट ईयर था, और जस्टिन से पहले उसकी एक सिस्टर भी वहाँ पर स्टडी कर रही थी और उसका नाम अलेक्सिया होता है। और यही नहीं, उन दोनों बहनों से पहले उनके पेरेंट्स भी वहीं पर पढ़ते थे और वो दोनों वहीं पर फर्स्ट टाइम मिले थे। जस्टिन के पेरेंट्स उसे स्कूल ड्रॉप कर देते हैं और स्कूल में पहली ही रात उन लोगों के साथ रेगिंग होती है जो कि अक्सर स्कूल्स और कॉलेजेस में होती रहती है जब न्यू स्टूडेंट्स वहाँ पर एडमिशन ले। उन सब न्यू स्टूडेंट्स को काफी टीज किया जाता है। पहले तो उन्हें नींद से जगाया जाता है और बाद में उनका सारा सामान निकाल इधर उधर फेंक दिया जाता है। और यही नहीं बल्कि उनके मैट्रेस भी उठाकर नीचे फेंक दिए जाते हैं। पूरी रात उन लोगों को ऐसी कंडीशंस का सामना करना पड़ता है और बाद में वो लोग पार्टी करते हैं, ड्रिंक करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। अब क्योंकि जस्टिन ने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये सारी सिचुएशन फेस की तो उसके लिए ये सब कुछ न्यू था, तो वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। फिर जस्टिन अपने सिस्टर अलेक्सिया से मिलती है जो कि अब काफी चेंज हो चुकी थी क्योंकि वो उसकी तरह शाय नहीं रही थी। नेक्स्ट डे न्यू स्टूडेंट्स के साथ फिर से रैगिंग की जाती है। उन सबके व्हाइट कोट्स पर ब्लड गिरा दिया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि उन्हें कुछ दिन तक ऐसे ही रहना है। उनके सीनियर्स उन्हें कहते हैं कि उन्हें यहाँ पर बिल्कुल चिल होकर रहना है। वो कहते हैं कि उन्हें भी उन लोगों के साथ एंजॉय करना है, पार्टी करनी है और ड्रिंक करनी है। और उन लोगों के साथ फिर से प्रैंक करने के लिए उन्हें रॉ मीट खिलाया जाता है। उस मीट में ज्यादातर रैबिट का दिल शामिल था। जस्टिन उन लोगों को काफी मना करती है कि वो उसे मीट ना खिलाएं क्योंकि वो वेजिटेरियन है और उसकी सारी फैमिली ही वेजिटेरियन है। लेकिन अलेक्सिया उसकी बहन होने के बावजूद वो उसकी इस बात पर एग्री नहीं करती। वो जस्टिन को सबके सामने झुठला देती है और एक मीट का टुकड़ा खा लेती है और जबरदस्ती करके जस्टिन को भी मीट का एक पीस खिला देती है। अब क्योंकि जस्टिन ने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम मीट खाया था तो उसे काफी अजीब लग रहा था। वहीं पर जस्टिन का एक रूममेट भी होता है जिसका नाम एड्रियन था। जस्टिन नेचर वाइज भी काफी अजीब लड़की थी। आधी रात को जस्टिन अपने स्किन पर कुछ फील करती है और उसे ये रियलाइज होता है कि उसे मीट से एलर्जी है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर रैशेज बन गए थे और उसे काफी पेन भी फील हो रही थी। लेकिन वो ये बात किसी से शेयर नहीं करती और इस बात को सबसे हाइड रखती है। बाद में जस्टिन अपने इस एलर्जी को एक नर्स को दिखाती है जो कि जस्टिन को कुछ मेडिसिन रिकमेंड करते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये घबराने वाली कोई बात नहीं है बल्कि एलर्जी हो जाती है, ये होना एक नॉर्मल बात है। लेकिन असल में बात कुछ और ही। असल में वो नर्स जानती थी कि जस्टिन के साथ क्या हुआ है क्योंकि ऐसा ही सेम केस वो पहले भी हैंडल कर चुकी थी। जिस दिन से जस्टिन ने मीट का टुकड़ा खाया था वो काफी अजीब हो गई थी। असल में वो गोश्त की एडिक्शन बन गई थी। नेक्स्ट डे एड्रियन जस्टिन को फ्राइड मीट खिलाने के लिए बाहर लेकर जाता है क्योंकि उसने एक मीट का टुकड़ा चुराने की कोशिश की थी। अब क्योंकि जस्टिन ने बचपन से ही वेजिटेबल्स खाई थी तो मीट खाना उसके लिए एक नई बात थी और काफी अलग था और वो इसे काफी एंजॉय भी कर रही थी। लेकिन उसे मीट की इतनी लत लग गई थी कि अब उसका इसके बगैर गुजारा नहीं हो रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन और भी क्रिटिकल बनती जा रही थी क्योंकि आधी रात को वो एक फ्रीजर से रॉ मीट निकालकर खा रही थी जो उसे काफी पसंद आता। अब जस्टिन के बदलने की वजह से उसका स्टडी की तरफ से ध्यान भी हटता जा रहा था, उसके मार्क्स कम आ रहे थे। तब प्रिंसिपल उसे वार्न करता है कि वो अपनी स्टडी पर फोकस करे, लेकिन जस्टिन समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा। एक दिन तो वो फील करती है कि शायद उसने किसी के बाल निगले हैं और फिर वो उन बालों को बाहर निकालती है जो कि डिस्टर्बिंग है। जस्टिन की सिस्टर अलेक्सिया उसके मुकाबले में काफी फॉरवर्ड लड़की थी। एक दिन वो दोनों सिस्टर्स एक रूम में होती हैं और अलेक्सिया जस्टिन के बॉडी पार्ट्स के हेयर्स को नोटिस करती है और उन हेयर्स को रिमूव करने के लिए वो उसे बेड पर लिटा देती है और सीजर का यूज करने लगती है जिससे जस्टिन काफी डर जाती है। और जस्टिन अलेक्सिया को टांग मारकर पीछे करती है और सडनली अलेक्सिया की एक फिंगर कट जाती है। अपने हाथ का ऐसा हाल देखकर अलेक्सिया वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। ये देखकर जस्टिन जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है लेकिन आगे से उसे रिस्पॉन्स आता है कि उन्हें आते आते तकरीबन 15 मिनट लग जाएंगे और वो जस्टिन को सजेस्ट करते हैं कि वो जख्म पर बर्फ लगा दे ताकि उसका ब्लड रुक जाए। लेकिन जस्टिन ऐसा कुछ नहीं करती, वो अपनी बहन को उसी हालत में छोड़ देती है और उसकी कटी हुई उंगली उठाकर उसे गौर से देखने लगती है। जस्टिन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद उस फिंगर ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया। और जस्टिन फिर एक बड़ी अजीब हरकत करती है, वो उस फिंगर में से आने वाले ब्लड को पी लेती है और बाद में वो उस उंगली को ही खाने लगती है। अपनी बहन की फिंगर का टेस्ट शायद उसे काफी अच्छा लग रहा था और वो उसे खाने में बहुत ज्यादा गुम हो जाती। असल में जस्टिन एक कैनिबल थी यानी एक आदमखोर थी। तभी फौरन अलेक्सिया भी होश में आ जाती है और जब वो देखती है कि उसकी अपनी ही बहन उसकी उंगली खा गई है तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है। तब उसे हॉस्पिटल
ले जाया जाता है और उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर आते हैं। और अलेक्सिया उन्हें रियलिटी नहीं बताती कि उसकी फिंगर तो उसकी सिस्टर खा गई है, बल्कि वो कहते हैं कि ये सब एक डॉग ने किया। और इसके बाद उन्हें डॉग रखने से मना कर दिया जाता है। वक्त के साथ साथ जस्टिन और ज्यादा बदलती जा रही थी और वो ब्लड और मीट की एडिक्ट होती जा रही थी। और यहाँ पर हमारे सामने एक बड़ी हकीकत सामने आती। मूवी के स्टार्ट में जब हमने देखा था कि अचानक से कोई कार के सामने आ गया तो वो कोई और नहीं बल्कि वो अलेक्सिया थी। और वो अक्सर ऐसा करती रहती थी और वो ऐसा इसलिए करती थी ताकि ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो जाए, जिससे एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट होना तो कंफर्म था और जिसमें लोग मर भी जाते थे और इंजर्ड भी हो जाते थे। और यहाँ पर अलेक्सिया इसलिए ऐसा कर रही थी क्योंकि उसकी सिस्टर जस्टिन के अलावा वो खुद भी कैनिबल थी। और एक्सीडेंट में जो लोग इंजर्ड होते थे या मर जाते थे वो बहुत बुरे तरीके से उन पर अटैक करके उनका खून ही पी जाती थी और उनका बहुत ज्यादा गोश्त खा जाती थी। ऐसा करके उसकी एडिक्शन पूरी हो रही थी। अब क्योंकि वो एक सुनसान रोड था तो पुलिस को भी शक नहीं होता। पुलिस यही समझती थी कि वो लोग इंजर्ड इसलिए हुए हैं क्योंकि इतना बुरा एक्सीडेंट जो हुआ है। लेकिन अलेक्सिया तो उनका बहुत सारा मीट ही खा जा चुकी, काफी डिस्टर्बिंग। ये देखकर जस्टिन काफी बुरा फील करती है और अलेक्सिया को ऐसा करने के लिए मना करती है। अलेक्सिया जख्मी इंसान का गोश्त खा रही थी और वो उसे कहती है कि ये गलत है। लेकिन अलेक्सिया जस्टिन पर गुस्सा होते हुए उसे कहती है कि तुम अब इसकी आदी हो गई हो, तुम इसके बगैर नहीं रह सकती, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया। उस दिन जस्टिन खुद पर किसी तरह कंट्रोल करके वापस अपने स्कूल आ जाती है। वक्त गुजरता जा रहा था। जस्टिन दो कंडीशंस के बीच एक ऐसी सिचुएशन पर फंस गई थी कि जहाँ एक तरफ तो ना वो नॉर्मल लाइफ जी पा रही थी और ना ही अपने कैनिबल फॉर्म को छुपा पा रही। उसे अपना रूममेट एड्रियन अच्छा लगने लगा था, लेकिन चीजें उसके हाथ में नहीं, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ वो ब्लड और मीट के लिए तड़पने लगी थी। वो दोनों बहनें अपने बारे में जानती कि वो क्या है। वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो एक आदमखोर जो कि इंसान का दोस्त नहीं बल्कि इंसान का दुश्मन। अलेक्सिया जस्टिन को कहती है कि तुम रियलिटी को छुपा नहीं सकती और तुम्हें इस हकीकत को अपनाना होगा। ये एक एडिक्शन, ये एक रियलिटी थी, क्योंकि जस्टिन की हालत खराब से खराब तर होती जा रही क्योंकि उसके नोज से ब्लड आ रहा था और स्टडी से तो वो काफी दूर आ गई थी। एक रात जस्टिन और एड्रियन एक दूसरे के साथ होते हैं और उसी रात जस्टिन का असली रूप उसके सामने आ जाता क्योंकि वो एड्रियन को कई बार खाने की कोशिश कर रही थी और वो कई बार उसे काटने लगती और एड्रियन को उसका ये बिहेव काफी अजीब लग रहा था। अब क्योंकि जस्टिन एड्रियन को खाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाह रही थी तो वो खुद को ही काट लेती, जिससे एड्रियन काफी डर जाता है और वो जस्टिन से रिलेशन खत्म करने की बात करता क्योंकि वो एक ऐसी लड़की के साथ लाइफ स्पेंड करना नहीं चाहता था जो एक कैनिबल हो और कभी भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती। एक रात जस्टिन ड्रिंक करने के बाद अपने सेंसेस खो बैठती, तब अलेक्सिया उसकी भूख मिटाने के लिए उसे मुर्दा खाने में लेकर जाती है और वो मुर्दों को ही खाने लगती। तब उसे ऐसा करते हुए स्कूल के सारे लोग देख लेते हैं, यहाँ तक कि एड्रियन भी, और वो उसकी एक वीडियो बना लेता। जब जस्टिन को इस बारे में पता चलता है तब उसे अपनी बहन पर काफी गुस्सा आता है और वो सबके सामने ही अपनी बहन से लड़ने लगती और वो दोनों सिस्टर्स बहुत बुरी तरह एक दूसरे पर अटैक कर देती है और लड़ते हुए वो किसी जानवर से कम नहीं लग रही थी, यहाँ तक कि एक दूसरे को काटने की कोशिश भी करती। और अलेक्सिया तो काफी दर्दनाक तरीके से जस्टिन का फेस ही काट ले। उन दोनों की रियलिटी सबके सामने आ चुकी, सब लोग उनसे नफरत करने लगे थे, उनसे दूर भाग रहे थे क्योंकि अब वो इंसानों के दुश्मन जो बन गए। लेकिन सिचुएशन उनके हाथ में नहीं थी, ये सब उनके खून में बस गया था। ये खाने की तरह ही उनके लिए एक भूख थी जिन्हें वो ब्लड और मीट के जरिए मिटाते थे। एक सुबह जस्टिन की जब आँख खुलती है तब वो देखती है कि एड्रियन उसके सामने मरा हुआ है और उसकी टांग किसी ने बहुत बुरे तरीके से खा ली। उसकी हालत देखकर जस्टिन काफी डर जाती और साथ साथ रोने लगती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं कैनिबल क्यों हूं और तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। वो समझ रही थी कि एड्रियन का उसका ये हाल उसने खुद किया है, लेकिन ये उसका काम नहीं था बल्कि ये अलेक्सिया ने किया था क्योंकि उनका ये कैनिबलिज्म प्रोसेस आगे आगे चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होने। उस मर्डर की वजह से अलेक्सिया को जेल में डाल दिया जाता है और यहाँ पर बड़ा राज खुलता है कि उन दोनों के पेरेंट्स को पता था कि उनके बच्चे कैनिबल है और इसीलिए उनकी मदर ने उन्हें वेजिटेरियन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रही क्योंकि उनकी मदर खुद भी एक कैनिबल थी जिसने अपने हस्बैंड को भी जख्मी किया हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी वाइफ के साथ रहना चाहते थे क्योंकि ये उनके नेचर में है और कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जस्टिन की वजह से बहुत सारे लोग मरने वाले हैं क्योंकि उसको नशा हो गया था इंसानी खून और मीट का। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।